अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रॉब्लम नंबर वन देखिए। अच्छा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सॉल्व करूँगा रफ, ठीक है। आप लोगों ने इलस्ट्रेशन से फॉर्मेट को देखना है, ठीक है, और आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपने हर दफ़ा फॉर्मेट या परफॉर्मा नहीं बनाना, उससे आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने परफॉर्मा या फॉर्मेट जो भी होगा प्रॉब्लम का, वो आप लोगों ने लिख के उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अलावा जब आपने प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपने हर बार परफॉर्मा या फॉर्मेट नहीं बनाना, आपने रफ प्रैक्टिस करनी है। मैं भी रफ ही बना के दिखाऊंगा, फॉर्मेट आप लोगों ने इलस्ट्रेशन दे के फॉलो करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर वन है, इसकी ट्रांजेक्शन आप देख लीजिए, ठीक है, और मैं इसको बोर्ड पर सोल्व करूँगा। अब प्रैक्टिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है जी, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद बाकी ट्रांजैक्शन आप लोगों ने देख के खुद करनी है, ठीक है। मैं सॉल्व करूंगा बाकी सारी ट्रांजैक्शन। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 84,000। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना लेके आया, 84,000। याद रखिए जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो अमाउंट या गुड्स लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल, ठीक है। अब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले लिखनी है, बोर्ड के ऊपर देखें आप, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ठीक है। आपने इसी तरह लिखना है इसको, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, और बाद में हम मैं सारे एलिमेंट्स इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो पहली ट्रांजैक्शन थी, मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, ठीक है। कैश आपका क्या है, एसेट। तो एसेट के एड में आप लिखेंगे कैश और लायबिलिटी साइड पे आप लिखेंगे कैपिटल। लास्ट में याद रखें जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसका टोटल सेम आएगा, यानी कि जो एसेट साइड का टोटल होगा वो ही लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी इन दोनों का टोटल होगा। अगर दोनों का टोटल सेम ना हुआ तो आपका प्रॉब्लम जो है वो गलत है, उसमें एरर है, फिर आप उसको रीचेक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया, पहली ट्रांजैक्शन थी कैश लेके आया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो एसेट के ऐड में आप कैश को ऐड करेंगे और लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल को ऐड करेंगे ओनर इक्विटी के नीचे। कैश कितना कैश लेके आया जी, 84,000, और कैपिटल भी कितना आ गया यहां पे, 84,000। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है, ठीक है। ये थी आपकी ट्रांजैक्शन। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है जी, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की हैं कैश पे, कितने की, रुपीज 13,000 की। जब गुड्स परचेज करेंगे तो कैश पे करेंगे, तो कैश आपका क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा, ठीक है। कैश में से आप कम करेंगे। अब गुड्स आपने परचेज किए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त आपने ये याद रखना है कि ये गुड्स कहाँ पे चली जाएंगी, स्टॉक में। वैसे आप जब आगे जाके इसको पढ़ेंगे तो गुड्स को आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त आपने ये अज्यूम करना है कि ये गुड्स चली गई हैं स्टॉक में, और स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट, ठीक है। यहां पे गुड्स का ऐड मैं ऐड करूंगा एसेट साइड पे, कितने की गुड्स परचेज की हैं जी, 13,000 की। कैश पे किया है, ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये मैं इसमें से लेस कर रहा हूं, आप माइनस भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। तो गुड्स का आपने ऐड ऐड कर दिया एसेट में, ठीक है, कितने का, 13,000 का, और कैश आपने पे कर दिया, एक एसेट आपके पास आया, एक एसेट आपके पास चला गया। उसके बाद है जी थर्ड ट्रांजेक्शन है, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2,000। उसने फर्नीचर परचेज किया है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,000। अब फर्नीचर आपका क्या है, एसेट, ठीक है, इसको आप लिखेंगे एसेट साइड पे, और कैश पे किया, कैश आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितने का जी, 2,000।
कैश में से मैंने 2000 लेस कर दिया और फर्नीचर मैंने 2000 ऐड कर दिया। इन सब का हम लास्ट में टोटल करेंगे। आप साथ साथ भी इसका टोटल कर सकते हैं। मीन आपने एक ट्रांजेक्शन की, उसके बाद इसका आप क्या कर लें, बैलेंस कर लें लेस करके। लेकिन जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार ही सोल्व करके इन सब का लास्ट में आपको टोटल करके बताऊंगा, ठीक है। आपने प्लस माइनस तो करना है, इतना मैथ तो आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। फर्नीचर में ऐड कर दिया 2000, कैश में से लेस कर दिया 2000, एसेट है फर्नीचर आपका। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3000 कॉस्टिंग 1800। गुड्स सेल की है कैश पे, कितने की, 3000 की। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, 1800। अब आपके पास कैश कितना आया, 3000। कैश में आप ऐड कर देंगे 3000। गुड्स आपने कितने की सेल की, उनकी कॉस्ट कितनी थी, 1800। गुड्स में से आप कम कर देंगे 1800, ठीक है। और रिमेनिंग आपका 1200 क्या है, प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होगा आपको या आपको इनकम होगी तो आप कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो कैपिटल में से लेस करेंगे। इनकम होगी या प्रॉफिट होगी तो कैपिटल में आप ऐड करेंगे। तो कैश में से सबसे पहले हम 3000 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। गुड सेल किया, कैश रिसीव किया, किया कैश में आ गया 3000। गुड्स माइनस कर दिया आपने, ठीक है, और 1200 कैपिटल में क्या होगा, ऐड। उसके बाद जी लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी, ही पेड सैलरीज रुपीज 1200। सैलरीज पे की आपने, एक्सपेंस आप कैश में पे करते हैं, ये सैलरीज आपका क्या है, एक्सपेंस। तो एक तो कैश में से आप कम करेंगे इसको, और दूसरा ये लॉस है आपका, एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से भी लेस करें। हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है, ठीक है। 84,000 और 3000 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करें और ये बाकी इन तीनों को लेस कर दें, 13,000, 2000 और 1200। ये जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है ये लेस करनी है आपने। Then, उसके बाद ये आएगा 70,800। फिर गुड्स का आपने करना है टोटल 13,000 में से 1800 आपने क्या करना है, लेस कर देना। इसका आएगा टोटल जी 11,200। देन फर्नीचर है, फर्नीचर का 2000 है, एज बिजी आ गया और इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे आ गए, कैपिटल में 84,000 है, 1200 आपने ऐड करना है और 1200 आपने लेस कर देना, तो ये आ जाएगा 84,000। अब देखिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल, ठीक है। जो इस साइड का टोटल था कितना, 84,000, एसेट साइड का भी कितना टोटल आया, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 84,000 आएगा। इन तीनों को आपने प्लस करना है, इसका टोटल आएगा 84,000। ये हमारा पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग इसको देख लें, नोट कर लें, ठीक है। आप इलिस्ट्रेशन से भी देख सकते हैं कि उसने इलिस्ट्रेशन में कैसे सॉल्व किया होगा एग्जामिनर, ठीक है। आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमने रफ वर्क करना है, फॉर्मेट को फॉलो बार बार नहीं करना। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट को खुद ही फॉलो करना है, इलस्ट्रेशन से देख के, वो मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्मेट। ये लायबिलिटी साइड,